चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे अंग्रेजों के दांतों को खट्टा करने का काम किया था और उसी पावन धरा से हम पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में इस सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को युवाओं के लिए कार्य करने के लिए काम करेंगे। साथियों, इस चौराहे पर आ जाने का ये दर्द है कि हम सबको प्रशासन ने इतना दबा दिया है, इतने फर्जी मुकदमे कर दिए हैं कि हम किसी चौराहे पर, हम किसी धरने स्थल पर, हम कहीं बैंक रोड पर, हम कहीं परीक्षा नियामक पर, हम कहीं बालचंद चौराहे पर धरना नहीं बुलाना पा सकते हैं, नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले ये छात्र नेताओं पर फर्जी मुकदमा करके तीन तीन दिन तक ये गिरफ्तार करके पूछताछ करते हैं। अगर एक गरीब नौजवान जब उसके घर में रात में पुलिस पहुंचेगी तो उसके माँ बाप का दर्द क्या होगा? उसका दर्द यही होगा कि बेटा अपने घर परिवार वालों को मत परेशान करो, चाहे रोजगार मिले या ना मिले। लेकिन हम सब भी अपने घर परिवार से कह चुके हैं, अगर एक लोग को अगर इस लड़ाई में शहीद होना पड़ेगा, लेकिन लाखों लोगों का घर बचाया जा सकता है। इस लड़ाई के तहत हम सब ने संकल्प लिया है कि आप सब इस मुहिम में बढ़ चढ़कर साथ दें। नहीं, मेरा मानना है, मेरा उम्मीद है कि 24 के बाद ये सरकार, ये केंद्र सरकार, ये आपको आउटसोर्सिंग, संविदा, प्राइवेटीकरण की तरफ दौड़ाएगी। आप जानते होंगे कि ये धीरे धीरे विभागों को, सेक्टरों को बांट करके आउटसोर्सिंग किसी निजी कंपनी को देकर के उसे कार्य करवाने का काम कर रहे हैं।